Hello student, myself Dr. Sneha Babel, Assistant Professor, Government Meera Girls College, Udaipur, ABST Department. M.Com ABST Final Year के student के लिए आज हम IFRS का जो पूरा हमारा syllabus है उस syllabus का overview करेंगे. IFRS M.Com Final ABST के student के लिए compulsory paper है जिसका कि full form है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग जो सिस्टम है उसके ऊपर है IFRS. IFRS इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कंपनीज एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स नीड टू बी वेल वर्स्ड इन इट. There is a growing demand for IFRS professionals as more and more companies migrate to this international standard. The ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India, has announced its decision to adopt IFRS in India with effect from 1st April 2011. यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इशू करता था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं. ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग की काम में ली जाती है वर्ल्ड और इंडिया के बीच में एक रूपता लाने के लिए दैट इज कॉल्ड एज उस अकाउंटिंग पॉलिसी को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन सिस्टम दैट इज IFRS. So the ICAI, yani Institute of Chartered Accountant of India, has announced its decision to adopt IFRS in India with effect from 1st April 2011. The standard will have a significant impact on capital market, but student and investors know remarkably little about this standards. सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो है 41 न्यू स्टैंडर्ड विच रिप्लेस अवर 27 जो स्टैंडर्ड्स होते थे लेखांकन मानक होते थे उसके बदले में 41 आ गए. द IFRS इशूड बाय IASB दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आर सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which are already adopted by more than 150 countries across the globe. All over world में 150 से अधिक companies ने जो है वो उसको ले रखा है IFRS को adopt कर रखा है. India has not adopted IFRS for reporting by domestic companies and has not yet formally committed to adopting IFRS standard. अभी तक की जो स्थिति है presently यानी 2019 तक अभी तक डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा IFRS अडॉप्ट नहीं किया गया है. तो IASB क्या है? द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी दैट डेवलप्स एंड अप्रूव्स IFRS. द IASB ऑपरेट्स अंडर द ओवरसाइट ऑफ IFRS फाउंडेशन. तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक की परिकल्पना करने की आवश्यकता सर्वप्रथम यूरोपियन कमीशन द्वारा उस समय महसूस की गई जब उसने यूरोपियन बाजार को उच्च स्तरीय पूंजी बाजार बनाने का निश्चय किया. अतः IFRS को जारी करने से पूर्व लेखा मानकों का प्रथम बार अनुसरण करने संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लेख SIC 8 में IAS का प्रथम बार उपयोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शीर्षक के अंतर्गत किया गया था. तथापि मानकों का पहली बार अनुकरण करते समय उसमें अंतर्निहित कठिनाइयों के कारण संस्थाओं को उनके परिचालन में क्या हो रही है असुविधा महसूस हो रही है. अतः ऐसी कठिनाइयों के कारण ISC 8 को IFRS 1 से बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है. अतः हमारा जो M.Com फाइनल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग IFRS के पूरे टॉपिक को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हमारी यूनिट नंबर 1
जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, और उसके बाद यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका एनालिसिस करना, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का अर्थ समझना और क्यों आईएफआरएस का स्कोप रहा, क्यों इसे लाया गया, इंटरनेशनली ग्लोबली अकाउंटिंग की एक जैसी पॉलिसी अपनाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे स्कोप। इसी यूनिट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड, आईएएस का फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड्यूर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स, इफेक्टिव डेट्स और एक्सेट्रा। अब इसी यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना है IFRS 2। IFRS 2 क्या है हमारा? शेयर बेस्ड पेमेंट, अंश आधारित भुगतान। जबकि इसी में आप यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे IFRS 3, जिसमें आपका आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन। यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे दो IFRS कवर हो गए, एक तो बेसिक पूरी IFRS की नॉलेज दैट इज नोन एज IFRS 1, उसके अलावा IFRS 2 और IFRS 3। IFRS 2 रहेगा शेयर बेस्ड पेमेंट और IFRS 3 रहेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन। यूनिट नंबर सेकंड हमारी आती है जो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो हमारी बीमा की सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठेके हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर है, इफेक्टिव डेट है, वो सब आएगी IFRS 4। IFRS 7 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, जिसमें डेरिवेटिव्स वगैरह ये सब जो आती हैं, ज्यूस में ली जाती हैं, वो IFRS 7 में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड में हमारे दो IFRS हैं, IFRS 8 और IFRS 9। IFRS 8 जो है वो बतलाएगा ऑपरेटिंग सेगमेंट, परिचालन जो है वो सेगमेंट का, वो पूरा IFRS 8 कवर करता है, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनका डिस्क्लोजर तो हमने 7 में पढ़ लिया था, और जो हमारे वित्तीय प्रपत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो IFRS 9 के अंतर्गत आएंगे। यूनिट नंबर फोर्थ में हमारे दो IFRS हैं, IFRS 10 और IFRS 11। IFRS 10 CFS दैट इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की स्थिति में किस तरीके से CFS बनाए जाते हैं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, लेकिन इसका एक निकल करके आता है IFRS। फिर IFRS 11 दैट इज़ जॉइंट अरेंजमेंट, संयुक्त जो व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड होगा IFRS 11। उसके बाद में यूनिट नंबर फिफ्थ, अगेन यूनिट फिफ्थ में हमारे दो IFRS कवर होंगे, IFRS 12 और IFRS 13। अन्य हित जो रहेंगे दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, दैट इज नोन एज IFRS 12। और IFRS 13 में हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू मेजरमेंट, IFRS 13। सो यूनिट नंबर फिफ्थ आपके दो IFRS कवर करेगा, 12 और 13। कुल मिलाकर के जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका ही स्पेशल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो फॉर्म है वो कहलाएगा हमारा IFRS। ये हमारा क्या कहलाएगा? पूरा IFRS कहलाएगा। तो IFRS के अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड हैं उस पूरे को समझाया गया है, और MCOM फाइनल ABST के पेपर में ये 5 यूनिट में IFRS यूनिट नंबर 1 फर्स्ट में आएगा, 1, 2 एंड 3। यूनिट नंबर सेकंड में IFRS 4 एंड IFRS 7। यूनिट नंबर थर्ड में IFRS 8 और 9। फोर्थ में आपका 10 एंड 11 और फिफ्थ में 12 एंड 13। इस पूरे को हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू सो मच।